In this video, we will discuss about the nature of the transversal or longitudinal waves, effect on the pressure and effect on the temperature. So, in the both the cases, we will discuss about the transversal and longitudinal wave nature, and we will discuss about this geometry also. So, this is the you know that this is the formula of the velocity is equal to my modulus pressure upon that is the density. This is the common formula. Suppose for the constant temperature, when आई एम मेकिंग दिस टाइम वीडियो वी कंसिडर द टेम्परेचर इज टी दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट तो अगर अभी का टेम्परेचर हम टी मान लें जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी नो दैट टी वी इज इकल टू कॉन्स्टेंट इस टेम्परेचर में सो so, आप देखेंगे इस पूरी इक्वेशन के अंदर यंग मॉड्यूलर्स के हिसाब से हम यहाँ पर देखें ये प्रेशर और ये है तो कॉन्स्टेंट कंडीशन में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के अंदर प्रेशर और डेंसिटी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो भी कॉन्स्टेंटली रही होगी क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है उसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये भी देखिए कॉन्स्टेंट ही है कंप्लीट वैल्यू है तो इसका मतलब जो वेव जिस अभी जिस जिस टेम्परेचर में मूव कर रही है वेलोसिटी में जिस में वेलोसिटी में अगर ये मूव कर रही है वी के अंदर ये भी मूव कर रही है देखिए मैं इसको मूव करके बता रहा हूँ ये वी वेलोसिटी है और ये भी इसी प्रकार से मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता इसका मतलब इफेक्ट ऑन प्रेशर जो रहता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हमेशा स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड को या इस ट्रेवल्स को इफेक्ट नहीं करता है अब देखिए हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं टेम इफेक्ट ऑन टेम्परेचर अब हम टेम्परेचर में भी कौन सा डिस्कस कर रहे हैं एप्सोट टेम्परेचर एप्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है जहाँ कैलविन की वैल्यू कितनी हम कंसिडर करते हैं जीरो उस कंडीशन पर तो देखते हैं उस कंडीशन के अंदर देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है एप्सोल्यूट का वी इज इक्वल टू में दिस आर टी या मॉडुलस हो गया आप इसके प्लेस पर यूज कर सकते हैं तो देखिए हमने यहां पे डेटा यूज करा अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी कांस्टेंट है मास भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट है टी भी कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में टी जो ये टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है अब उस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये सब कॉन्स्टेंट है तो सब का आप प्रपोर्शनल साइन लगा सकते हैं तो अकेला इस पर रूट आ जाएगा टी अब देखिए आप स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दीजिए यहां पर तो जैसे आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो वी स्क्वायर यह हो जाएगा इसका मतलब गेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके स्क्वेयर ऑफ रूट ऑफ एप्सोलूट टेम्परेचर इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा चेंज आएगा अब हमेशा एक चीज याद रखें वी का स्क्वेयर है इसका मतलब होता है ये वी स्क्वे भी एक प्रोपोशनल वैल्यू दे रहा है प्रोपोशनल तो हमेशा अगर जो हम ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा सीधा तो इस प्रकार से एप्सोलूट टेम्परेचर के अंदर जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो एक स्ट्रेट ग्राफ ड्रॉ होता है तो इफेक्ट जो होता है प्रेशर का वो कोई चेंज नहीं करता है लेकिन जब आप एप्सोलूट टेम्परेचर में देखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे वीस डायरेक्टली या वी स्क्वायर इक्वल टू टी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रूट टी और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्टेट ज्योमेट्री ड्रॉ होगा